नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीएटी प्लेसमेंट की तरफ से हाल ही में जो 9 नए यहाँ पर महत्वपूर्ण नोटिस जारी किए गए हैं, और अगर आप इन 9 के 9 नोटिस को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो है घंटे वाले को नहीं से जुड़ दबाए, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो इस समय जब हम ये जो डीटी प्लस भी जो है इनकी जो मेन जो वेबसाइट है हम इस पर हैं, इसे सर्च करके आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं, या फिर इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो जैसे जब आप इनकी वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो नोटिस आया है सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिस नंबर 1357 असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट पोस्ट कोड 38/13 प्रिजन डिपार्टमेंट में। दूसरा जो यहाँ पर नोटिस 111 है टीएचडी सोशल साइंस फीमेल पोस्ट कोड 40/21 के लिए। तीसरा जो यहाँ पर नोटिस है ये रहेगा नोटिस नंबर 110 और साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी पोस्ट कोड है 25/21। उसके बाद जो चौथा जो नोटिस है ये रिजल्ट नोटिस नंबर 104 है लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए डॉक्यूमेंट अंडर पोस्ट कोड 49/20। उसके बाद जो पाँचवा नोटिस आया है ये रिजल्ट नोटिस है टीएचडी बंगाली मेल अंडर पोस्ट कोड 41/21 के लिए। उसके बाद जो छठा नोटिस है ये रिजल्ट नोटिस नंबर 109 है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री अंडर पोस्ट कोड है 61/20। उसके बाद जो सातवा जो नोटिस आया है ये रहेगा रिजल्ट नोटिस सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फोटो अंडर पोस्ट कोड 56/20 के लिए। आठवा जो नोटिस है ये रिजेक्शन नोटिस है साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए। उसके बाद नौवा जो यहाँ पर नोटिस आया ये रिजल्ट नोटिस है साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री अंडर पोस्ट कोड 55/20 के लिए। तो फिलहाल जो है यही 9 नोटिस जारी हुए हैं, और अगर इनके बीच में कोई नया नोटिस आ जाता है तो इनके बाद हम उनको भी देखेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो जैसे जहाँ यहाँ पर पहले वाला नोटिस है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आपको नए पेज पर ये लेकर आएगा। तो ये जो हम यहाँ पर हमारा जो पहला नोटिस जो है हम इस पर आ गए हैं, ये आप देख सकते हैं नोटिस सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिस है 1357 असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट पोस्ट कोड 38/13 के लिए। पहले में जो यहाँ पर पोस्ट दी गई है कौन सी कैटेगरी में कितनी यहाँ पर पोस्ट थी, उसके बाद नंबर 2 आप देख सकते हैं ये रोल नंबर है श्री पवन सिंह डेट ऑफ बर्थ इतनी कैटेगरी इतनी रोल नंबर ये है यहाँ पर रिटर्न एग्ज़ाम पीटी, और इनका एग्ज़ाम था ये 9/3/2014 को, और मार्क्स है यहाँ पर 141.5। उसके बाद इसमें मार्क्स रिटर्न एग्ज़ाम कैंडिडेट श्री पवन शॉर्ट लिस्ट फॉर फिजिकल इंट्रेंस टेस्ट 2। तो सारा मामला आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो ये प्रोविजनल तौर पर यहाँ पर नॉमिनेट हुए हैं। यूआर कैटेगरी का एक कैंडिडेट है और रोल नंबर यहाँ पर ये दिखाया गया है। और क्या कुछ कट ऑफ है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी वाइज मार्क्स स्कोर बाय द लास्ट कैंडिडेट प्रोविजन नॉमिनेट अंडर पोस्ट कोड 38/13। तो मार्क्स ये देख सकते हैं यू आर के जो यहाँ पर रहेंगे 140.25, ओबीसी 130.50, एससी के 116.25, एसटी के 88.5 और एक्स सर्विसमैन के है 93.5। तो इतने जो यहाँ पर कट ऑफ है, तो ये हमारा यहाँ पर पहला नोटिस था। तो ये जो हमारे यहाँ पर दूसरा महत्वपूर्ण नोटिस है और डेट आप ये देख सकते हैं नोटिस 111 टीएचडी सोशल साइंस फीमेल पोस्ट कोड 40/21। पहले में जो यहाँ पर ये पोस्ट बताई गई है कितनी पोस्टें थी 662। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं रिटर्न एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड टायर 1 टेक्निकल फॉर रिक्रूटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस पोस्ट। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं
पहले में पोस्ट है और नंबर दो में है कि रिटर्न एग्जाम ऑनलाइन मोड टायर वन टेक्निकल रिक्रूटमेंट रिस्पेक्ट ऑफ दिस पोस्ट कनेक्टेड ऑन 1/10/2021 9/10 और 10/10/2021। तो इस डेट में आपका ये एग्जाम था और 2700 कैंडिडेट्स जो है यहाँ पर जिन्होंने एग्जाम दिया था 9/10 और 1/9 और 10 तारीख को। तो ये अपने मार्क्स अगर देखना चाहते हैं तो ORS जो है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं जहाँ पर आपने फॉर्म को फिल किया था। उसके बाद यहाँ पर 1468 कैंडिडेट हो 10 मार्क्स अबो और इक्वल टू कट ऑफ मार्क्स दे रिस्पेक्टिव कैटेगरी। तो ये अब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या कुछ इनकी कट ऑफ है। AWS की 91.95, UR की 115.21, OBC की 106.27, SC की 102.03, ST की 82.10, PWD की 61.14। ये है यहाँ पर आउट ऑफ 200 मार्क्स ए प्लस सेक्शन बी कैंडिडेट हु क्वालिफाइड सेपरेटली इन बोथ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी एज पर एग्जामिनेशन स्कीम। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो यहाँ पर कैंडिडेट नॉमिनेट हुए हैं उनके लिए डोसर का लिंक एक्टिव रहेगा। तो ये लिंक सिर्फ उन्हीं के लिए एक्टिव होगा जो इसके लिए एलिजिबल हैं, उनके पास जो ईमेल SMS आ चुका होगा। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं 23/2/2022 से 9/3/2022 तक का समय है, लगभग 15 दिन का समय इसमें दिया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा दूसरा जो है महत्वपूर्ण ये रिजल्ट था। नेक्स्ट जो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो अपडेट है उसको देख लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर तीसरा महत्वपूर्ण नोटिस है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और नोटिस नंबर 110 है साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी वालों के लिए। पहले में यहाँ पर पोस्ट दी गई है, 6 यहाँ पर पोस्ट थी अलग अलग कैटेगरी के अनुसार, आप ये देख सकते हैं। और एग्ज़ाम था यहाँ पर 25/11/2021 को और 244 कैंडिडेट अपीयर हुए थे। ये मार्क्स अगर आप अपने देखना चाहते हैं तो ORS जो है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं जहाँ पर आपने फॉर्म को फिल किया था। उसके बाद इसमें से 24 कैंडिडेट जो ऐसे हैं जो यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स के अनुसार ये प्रोजन तौर पर शॉर्ट लिस्ट हुए हैं और इनके लिए डोसर का लिंक एक्टिव रहेगा। क्या कुछ कट ऑफ जो है यहाँ पर 200 में से आप ये देख सकते हैं। UR जो है इनकी रहेगी 98.00, AWS वालों की 83.75 है, OBC वालों के लिए 70.50 और SC वालों के 65.25 है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ईडोसर का जो लिंक है ये रहेगा एक्टिव 23/2/2022 से 9/3/2022 तक। तो इससे पहले पहले जो भी डॉक्यूमेंट है ये आपने ईडोसर पर अपलोड करने होंगे। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर रिजल्ट जारी हुआ है। नेक्स्ट जो यहाँ पर अपडेट है उसको भी देख लेते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ पर चौथा जो है महत्वपूर्ण नोटिस है और ये आप देख सकते हैं रिजल्ट नोटिस नंबर 104 लेबोरेटरी असिस्टेंट और पोस्ट कोड 49/20 के लिए। पहले में यहाँ पर पोस्ट दिखाई गई है अलग अलग कैटेगरी के अनुसार। उसके बाद 360 कैंडिडेट जो अपीयर हुए थे यहाँ पर टायर वन में, एग्ज़ाम था 31/12/2021 को। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो कैंडिडेट है ये प्रोविजनल तौर पर नॉमिनेट हुए हैं। और UR जो कैटेगरी है इसके 3 हैं, OBC का 1 है। तो और इनके जो यहाँ पर कट ऑफ क्या कुछ है ये आप देख सकते हैं। UR जो है इनकी रहेगी 122 और OBC की 113.75। वेटिंग पैनल जो लिस्ट है ये भी यहाँ पर बताई गई है, UR में 1 है, OBC में भी 1 है। और UR की है 120.75 और OBC की है 103.25। तो ये यहाँ पर कैटेगरी वाइज मार्क्स स्कोर दिए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं। और वेटिंग पैनल जो है ये रहेगा 16/2/2023 तक। तो ये यहाँ पर ये महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है। नेक्स्ट जो अपडेट है उसको भी देख लेते हैं। तो अब जब यहाँ पर हमारा जो
पांचवा जो महत्वपूर्ण नोटिस हम इस पर आ गए हैं और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, टीएसडी बंगाली मेल के लिए आया है और पोस्ट कोड 41/20। पहला नंबर जो है इसमें पोस्ट दिखाई गई है अलग अलग कैटेगरी के अनुसार। 13 कैंडिडेट जो है यहाँ पर जिन्होंने टायर वन एग्ज़ाम दिया था, तो ये था 13/12/2021 को। और जो यहाँ पर ये नॉमिनेट हुए इनकी क्या कुछ या कट ऑफ है ये नीचे दी गई है, और ये यहाँ पर रोल नंबर है, यूआर कैटेगरी का एक कैंडिडेट है। और कट ऑफ जो यहाँ पर बताई गई है 99.00। उसके बाद वेटिंग पैनल लिस्ट भी बताई गई है, यहाँ पर भी यूआर का एक कैंडिडेट है और इसकी कट ऑफ है 89.25। और ये वैलिड रहेगी 16/2/2023 तक। तो ये यहाँ पर रिजल्ट जारी हुआ है। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण अपडेट है हम उसको देखेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर छठा जो है महत्वपूर्ण नोटिस है और रिजल्ट नोटिस नंबर 109 है, और यह है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री वालों के लिए। पहले में पोस्ट दी गई है, उसके बाद नंबर 2 में मार्क स्टेटमेंट दी गई है 109 कैंडिडेट हुआ पीर इन दी टायर 1 एग्जाम ऑनलाइन मोड, और ये था 2/12/2021 को। उसके बाद जो यहाँ पर प्रोविजनल तौर पर नॉमिनेट हुए हैं, यूआर कैटेगरी के 4 हैं, ईडब्ल्यूएस का 1 है, ओबीसी कैटेगरी के 3 हैं, एससी का 1 है और एसटी का 1 है। और इनकी कट ऑफ आप ये देख सकते हैं, यूआर की 104 है और ईडब्ल्यूएस वालों की 95.50, ओबीसी की 83.25, एससी का 77.25, एसटी का है 62.25। और कुछ वेटिंग पैनल लिस्ट भी यहाँ पर बताई गई है, यूआर का इसमें 1 है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नो कैंडिडेट अवेलेबल, ओबीसी का 1 कैंडिडेट है, एससी का भी 1 है। और इनकी क्या कुछ कट ऑफ है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, यूआर वालों की है 103.25, ईडब्ल्यूएस का कोई नहीं है, और ओबीसी का है 77.50, एससी का है 69.25 और एसटी का भी कोई इसमें नहीं है। और वेटिंग पैनल चाहिए वैलिड रहेगा 16/2/2023 तक। तो ये हमारा छठा महत्वपूर्ण नोटिस था। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण नोटिस है हम उसको भी देख लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर सातवां महत्वपूर्ण नोटिस है और ये है रिजेक्शन नोटिस 107 साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री वालों के लिए। तो ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ये रोल नंबर है यहाँ पर और ये यहाँ पर रिमार्क्स है। कैंडिडेट डज नॉट प्रोसेस द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर आरएस ऑन कट ऑफ डेट एग्जाम्पल 20/2/2022। तो इस कारण से यहाँ पर ये रिजेक्ट हुआ है। तो नेक्स्ट जो यहाँ पर अपडेट है उसको देख लेते हैं। तो अब जब यहाँ पर जो हमारा आठवां जो महत्वपूर्ण नोटिस हम इस पर आ गए हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिजल्ट नोटिस 108 है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फोटो वाले के लिए। पहले में यहाँ पर वैकेंसी बताई गई है अलग अलग कैटेगरी के अनुसार। उसके बाद यहाँ पर 21 कैंडिडेट है जिन्हें टायर वन एग्जाम दिया था, ये था 31/12/2021 को। और यहाँ पर कुछ कैंडिडेट ये नॉमिनेट हुए हैं, यूआर कैटेगरी का एक कैंडिडेट है, इसके पीछे स्टार लगा हुआ है। स्टार का क्या मतलब है, ओनली वन कैंडिडेट स्क्योर मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स। तो एक ही कैंडिडेट जो है इसने ये मिनिमम जो क्वालिफाई मार्क्स है इसको प्राप्त किया है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी क्या कुछ कट ऑफ है, ये यहाँ पर देख सकते हैं 89.50 इसकी कट ऑफ है। कुछ वेटिंग पैनल लिस्ट भी यहाँ पर बताई गई है, तो वेटिंग पैनल लिस्ट आप देख सकते हैं। तो इसमें कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल नहीं मिला है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा यहाँ पर आठवां महत्वपूर्ण नोटिस था। अब हम यहाँ पर नौवां जो हमारा महत्वपूर्ण नोटिस हम उसको देखेंगे।
तो ये जो हमारे यहाँ पर नौवा महत्वपूर्ण नोटिस है, और यह है यहाँ पर नोटिस नंबर 83 लीज ऑफ मार्क्स ऑफ शॉर्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट टायर टू एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफिस सुप्रिंटेंडेंट इन टायर DTC पोस्ट कोड 8/2020। तो ये जो हमारे यहाँ पर नोवा महत्वपूर्ण नोटिस है, रिजल्ट नोटिस नंबर 106 सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री पोस्ट कोड 55/20। पहले में यहाँ पर पोस्ट दिखाई गई है और 249 कैंडिडेट है जिन्होंने ये टायर वन एग्जाम दिया था, ये था 2/12/2021 को, और यहाँ पर कुछ कैंडिडेट जो प्रोविजनरी तौर पर नॉमिनेट हुए हैं। UR कैटेगरी के 3 हैं, EWS का 1 है, OBC का 1 है और ST का 1 कैंडिडेट है। इनकी क्या कुछ कट ऑफ है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। UR के है 79.75, EWS के 85.25, OBC के 88.75 और ST के 61 हैं। और वेटिंग पैनल नॉमिनेट वेटिंग कैंडिडेट शैल बी वैलिड 16/2/2023। कुछ तो यहाँ पर वेटिंग पैनल लिस्ट देख सकते हैं, UR का 1 कैंडिडेट है, OBC का 1 है, इनकी कट ऑफ इतनी यहाँ पर बताई गई है। जिसके पीछे स्टार लगा हुआ है इसका क्या मतलब है कि नो कैंडिडेट स्क्योर मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स इन EWS और ST कैटेगरी, तो इसके लिए कोई कैंडिडेट यहाँ पर जो एलिजिबल नहीं मिला है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हाल ही में 9 महत्वपूर्ण रिजल्ट नोटिस DTPLSP ने जारी किए हैं। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट को पाने के लिए, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।